फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत तीन तरह की पोस्ट निकाली गई है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये वैकेंसी आई कहां है, क्या योग्यता होनी चाहिए, अर्थात कौन लोग इसे फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म की, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये जानिएगा, ये जो वैकेंसी है इसमें ना तो आपका प्री होगा ना ही मेंस होगा, डायरेक्ट आपका इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो चलिए आइए जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, टोटल पोस्ट हमें लिखा है, पोस्ट आपकी टोटल कितनी है, 18 है। ये किसके लिए, ये लीगल वालों के लिए ही है, ध्यान रखिएगा, ये लीगल वालों के लिए निकाली गई है। 18 पोस्ट निकाली गई है। जो वैकेंसी मैं बात कर रहा हूं, तीन तरह की पोस्ट निकाली गई है, तो अलग अलग वेरिएंट में ये पोस्ट निकाली गई है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। ये वैकेंसी आई कहां है, वैकेंसी आई है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये कहां है, न्यायनगर मिथापुर पटना, अर्थात बिहार के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें जो वैकेंसी की मैंने बात किया कि तीन तरह की आपके पोस्ट मिलेगी देखने को, तो ये तीन तरह की ये रही, 1, 2 एंड 3। देखिए, पहली जो पोस्ट है आपकी, ये प्रोफेसर की है, सब लॉ वाले हैं। लॉ वाले मैं बार बार लॉ नहीं बोलूंगा, आप खाली ये समझते रहिए ऊपर वाला मैं बोल रहा हूं, प्रोफेसर की है। दूसरी है एसोसिएट प्रोफेसर की है, और तीसरे है असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाली गई है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कितनी कितनी पोस्ट है। प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 9 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें भी तीन पोस्टों में किसे कितनी पोस्ट मिलेगी, तो अनरिजर्व के लिए 1, ईबीसी के लिए 1, अनरिजर्व फीमेल के लिए 1। ठीक है, ये हुआ किसका, प्रोफेसर का। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या है, ईबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, बीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ईबीसी फीमेल के लिए 1, और अनरिजर्व फीमेल के लिए 1 निकलेगी। लास्ट में बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, एससी के लिए 2, बीसी के लिए 1, डब्ल्यूबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, बीसी फीमेल के लिए 1, ईबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1 पोस्ट निकालिए। ठीक है, तो ये टोटल आप देखेंगे कि ये पूरी 18 पोस्ट आपकी निकाली गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये पहले वाला जो पहला वाला हमने पोस्ट देखा था, ये वाली हमारी जो पहली पोस्ट थी, ये प्रोफेसर, इसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें आप स्पेशलाइजेशन में क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, फिर क्या है, कॉर्पोरेट लॉ है, टैक्सेशन लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ एंड साइबर फोरेंसिस, ये है। सेकेंड वाले में क्या है, बैंक करप्ट है, मैरिटाइम एंड शिपिंग लॉ है, लेबर लॉ है, फैमिली लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंपटीशन लॉ है। ठीक है, थर्ड में क्या है कि लॉ एंड टेक्नोलॉजी है, एडीआर है, पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, आईपीआर है। ठीक है, ये चीज क्या है, ये स्पेशलाइजेशन मांगे गया। अब इसकी जो पे स्ट्रक्चर क्या होगा, पे स्केल आपकी क्या होगी, तो फर्स्ट वाली जो वैकेंसी थी उसके लिए है आपका 1,44,200 रुपए आपकी पे स्केल है। सेकेंड में आपका 1,21,400 है, यह आप देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये है पे स्केल। ठीक है, ये 1,44,200, और सेकेंड वाले में कितना है, 1,21,400 है, और थर्ड वाले में है 57,700। ये क्या है, ये पे स्केल है। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें क्वालिफिकेशन में आपसे क्या मांगा गया है, अर्थात इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं, वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने एलएलबी किया है। ठीक है, प्लस जिन्होंने क्या किया है, एलएलएम किया है, प्लस उसके बाद यूजीसी द्वारा नेट क्वालिफाई किया हो, यह भी ध्यान रखिएगा, यूजीसी द्वारा नेट क्वालिफाई भी आपका होना चाहिए, और किसी ने यदि जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, मिस मत करिएगा इस फॉर्म को। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन आपकी यहां पर मांगी गई है। आगे देख लेते हैं क्या मांगा गया है।
आगे देखिए एप्लीकेशन फीस की बात की गई है कि एप्लीकेशन फीस क्या होगी। एप्लीकेशन फीस के लिए यह कहा गया है कि 250 रुपए मांगा गया है यहां पर। यह किसके लिए? ये एससी एसटी के लिए मांगा गया है। और जो अदर वाले हैं अर्थात जनरल वाले ईडब्ल्यूएस वाले ये लोग को कितना पेमेंट करना होगा? ये आपका 1000 रुपए फी पे करनी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हमने अभी आपसे फीस की बात की कि कितना फी पे करना होगा। मैंने इस फॉर्म के विषय में आपको बताया कि ये फॉर्म कैसा है। ये ऑफलाइन आपका फॉर्म होगा, फॉर्म आपको भेजना होगा। अब कहां भेजेंगे आप ये देखिए कहां भेजना है आपको। आपको ये फॉर्म यहां पर भेजना है। ठीक है, ये देखिए ये यहां पर आपको भेजना है। द रजिस्ट्रार चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्याय नगर मिथापुर पटना बिहार में ये फॉर्म आपको भेजना है। ये एड्रेस है पूरा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो फॉर्म भेजना है उसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है? तो लास्ट डेट आपकी रखी गई है 25 नवंबर 2023। ये आपकी लास्ट डेट रखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। 25 नवंबर से पहले ही आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। ये भी ऑफलाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू सिर्फ होगा, प्री नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग इस फॉर्म को भर के और इस पते पर सेंड कर दीजिए। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं क्लास की। यदि आपको जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करना है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा नंबर, देखिए दो नंबर दिए गए हैं, दोनों में से किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है श्रेय लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज होती है मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।